उसको लगा कि महागामा को मैडम बोल रही है मैग्मा, तो बच्चा तो पहले उसको मैग्मा पता ही नहीं था कि मैग्मा क्या होता है, चूंकि प्रीवियस क्लास में एब्सेंट कर चुका था। अब सोचा कि बताओ तो भी मार खाओ, नहीं बताओ तो भी मार खाओ, उसको आंसर तो पता नहीं था। तो उसने सोचा कि मैडम महागामा को गलती से मैग्मा बोल रही है, तो उसको महागामा का पिन कोड पता था, तो बोला मैडम पिन कोड ये। उसके बाद मैडम ने जो उसकी पिटाई करी वो मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग घटना था। वो बताया कि बहुत जोर से उसको मार पड़ा और पूरा क्लास पूरे 1 साल तक आ रही थी वो, उससे इतना इंटरेस्टिंग घटना हो गया कि आज भी उसके दोस्त लोग एक साथ बैठते हैं तो डिस्कस करके हंसते हैं। तो आपका बचपन का जो पढ़ाई रहा मिश्रा जी, वो कहाँ पे हुआ, मतलब गांव के पास, आपका गांव कहाँ हुआ? गांव मेरा वैसे चतरा डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मेरा जो गांव है चतरा डिस्ट्रिक्ट झारखंड राज्य, हाँ झारखंड क्योंकि राज्य, ऑल इंडिया के व्यूवर्स है तो उनको राज्य भी बताना जरूरी है। झारखंड राज्य में, लेकिन जो मेरा गांव जो है वो बिहार से सटा हुआ है, बिहार राज्य से मतलब करीब 20 कदम दूरी पे ही बिहार का मैंने सीमा जो है सटता है, तो पढ़ाई सारा बिहार से ही आया था, उसके गांव में उपलब्धता नहीं था, वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी है और पढ़ाई सारे हिंदी मीडियम में। जैसे कि गांव का जिक्र आया है मिश्रा जी, तो आपका बचपना कैसा रहा? क्योंकि हम लोग जनरली, अभी भी मैं कुछ दिन पहले अपना ही गांव गया था, दूसरे का छोड़ दीजिए, बहुत सारे गांव मैंने देखा, जनरली वहां के बच्चे बहुत सारे गांव का पढ़ते हैं, मैं उनको सबको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो जनरल दिखता है मैं उसके ऊपर सवाल कर रहा हूँ कि मैं देखा कि गाँव के बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ना गार्जियंस को बहुत ज्यादा मतलब है पढ़ाई से, ना बच्चे को बहुत ज्यादा मतलब है पढ़ाई से। एक गार्जियन जो होता है तो सोचता है कि पर्टिकुलर एज होगा अपना कमाने लगेगा। तो क्या आपके गांव में वैसा कुछ माहौल था, और था तो क्या इसमें आपके मम्मी पापा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था कि नहीं मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, या आप खुद पढ़ाई के पीछे प्रति सीरियस थे? आपके गांव का माहौल कैसा था? पूरे गांव का माहौल तो जैसा गांव का होता है वैसा ही था, लेकिन मेरे गार्जियन का और अगल बगल का जो 2-3 लोग थे वहाँ पे, मतलब मेरे मोहल्ला कह सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई को लेकर सेंसिटिव था। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि आप खुद थे बचपन में, कौन पढ़ाई के लिए होता है बचपन में, कोई पढ़ना नहीं, नहीं कुछ लोग था। होते हैं, मैं अभी इसको भी मैं रेयर केस में रखता हूँ, मैं एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको पढ़ाई में मजा आता है और वो रियली में पढ़ना चाहता है, चाहे वो बच्चा, एक बच्चा को भी देखा हूँ ऐसे बच्चे को मैं, लेकिन वो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हालांकि ये बहुत रेयर है, 99.99% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नहीं पढ़ना चाहते। हाँ बस वो गार्जियन का था कि भाई जाना स्कूल जाना है, ट्यूशन पढ़ना है, मतलब आप व्यस्त रहो पढ़ते रहो। अच्छा, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मिश्रा जी, ठीक है चलिए, अभी का जो टाइम चल रहा है, जो दौर चल रहा है, जो जमाना चल रहा है, अभी के टाइम में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करते हैं तो भी सक्सेस करते हैं, बहुत सारा ऐसा फील्ड है जहाँ आप सक्सेस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स हुआ, मतलब वेरियस अदर फील्ड्स है, आर्ट एंड डिजाइन हुआ, बहुत सारे अदर फील्ड्स है। तो आपको क्या लगता है, एक बच्चा का पढ़ाई करना जरूरी है, या एक बच्चे का किसी चीज में इंटरेस्ट है तो बचपन से ही उस बच्चे को फ्रीडम छोड़ दिया जाए कि आप अपने फील्ड में जाए और अपने फील्ड में बेहतर करें? आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? मेरा जो मानना है कि आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी लेना नहीं होता, पढ़ाई का मतलब होता है कि आपको समाज में कैसे जीना, आपको खुद को कैसे स्टेब्लिश करना। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि आर्ट डिजाइन में जा रहे हो, तो आर्ट डिजाइन में तो पढ़ करके ही जा रहा है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि वो पढ़ करके नौकरी दे दिया, तो समाज में बेहतर ढंग से रहने के लिए, जीने के लिए पढ़ाई जरूरी है। यहाँ पे एक और सवाल आता है मिश्रा जी की, ठीक है एक बच्चा है आप, तो कहाँ पे पढ़ना जरूरी है? एक बेसिकली अभी का टाइम का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम, वो अपने इंटरेस्ट को नहीं जान पाता है कि एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो यदि अगर एक बच्चे को उसका इंटरेस्ट मालूम चल जाए तो, और मालूम चल जाए तो कहाँ तक उसको पढ़ाई करना चाहिए, उस पढ़ाई के बाद उसको जो है सो कि अपना मतलब पर्टिकुलर फील्ड चूज कर लेना चाहिए कि हम इस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, और वो मैच्योरिटी बहुत कम स्टूडेंट से बचपन में उतना हमारे दिमाग नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को, एक छात्र को या एक बालक को अपना टैलेंट या अपना जो भी हिडन टैलेंट है, क्योंकि हम लोग है तो यूनिक, इसमें कोई दो राय नहीं है, 125 करोड़ इंडिया की जनता, पूरा दुनिया की भी जनता मान ली, पूरी दुनिया में हम यूनिक है, तो अपने यूनिक टैलेंट को पहचानने के लिए क्या करें? क्या आपको लगता है कि आप अपने यूनिक टैलेंट को पहचान पाए हैं? जी आपको क्या लगता है आपका क्या टैलेंट है जो कि आप मतलब कि वो आपको लगता है कि वो फील्ड आपका बेहतर है, उस फील्ड में आप करेंगे तो अदर फील्ड से बेहतर कर सकते हैं, या उसी फील्ड के लिए आप बने हैं, आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि हमें टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए, हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन लगता है उसमें, क्योंकि उसमें लंबा समय भी होता है बिना। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका है,
फाउंडेशन बैच कोर्स किसके लिए, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए, जो कि कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों का 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि ये सारे एडुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे, सैफिली राठौड़, उसके बाद आनंद पांचाल, अभिषेक मिश्रा, रजत कुमार। ओके फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि हमारा कूपन सब्जेक्ट क्या क्या कवर होगा, जनरल अवेयरनेस कवर होगा, मैथ्स कवर होगा, रीजनिंग कवर होगा, जनरल साइंस कवर होगा। हमारा कूपन कोड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए हो तो हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा उमंग स्टडी, UMANGSTUDY, बिना स्पेस के, आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मंथली प्राइस बहुत ही कम है फ्रेंड, 150-200 रुपया मंथली, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, आप आसानी से इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।